आप इसको ब्लेसिंग बोलोगे या फिर पनिशमेंट? आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड. माय ब्रदर डोंट लाइक पॉइंटेड गॉड एट ऑल, दैट इज पोटॉल इन एसमिस, दैट्स व्हाट वी कॉल इट. सो आई थॉट ऑफ लाइक मेकिंग इट इन अ डिफरेंट वे व्हिच इज अ ब्लेसिंग फॉर हिम. अदरवाइज मम्मी का हाथ का वो मिक्स वेज खाता. The recipe is very simple. All you need to do is roast a few cashews, magaj or phir lal mirch. Ye magaj is nothing else but watermelon seeds. Unko rakhenge side mein thanda honne ke liye, and on the same pan 3 medium sized tomato liya aur phir unko beech mein se kaat liya and seeds nikal liye, kyunki mummy kehti hai ki seeds dalne se na gastric ka problem aata hai. तो उनको भी थोड़ा सा ऐसा रोस्ट कर लिया. इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली स्मोक इट, तो फ्लेवर ज़्यादा आता है स्मोकी वाला. डू एज यू विश. और उसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक एकदम पूरा सॉफ्ट सिल्की ना हो जाए. ये हो गया हम लोगों का ग्रेवी रेडी, ऑलमोस्ट रेडी. ये मैंने ना ऐसे बीच में से आइडिया निकाला था, तो हम लोगों के पास अभी सिर्फ यही था मतलब सब्जी में डालने लायक. यदि आपके पास फूल गोभी हो ना, जस्ट विदाउट हेजिटेटिंग डाल दीजिए. और फिर कैप्सिकम वगैरह जो जो है ना, तो फिर डाल सकते हो आप. इसमें कोई ऐसा है नहीं कि नहीं डाल सकते. सब कुछ काट के हो गया है. अभी मैं एक बंगाली पार्टी में गई थी और उधर मेरे को एक सब्जी मिला था विच वॉज सो गुड, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी को रिक्रिएट कर. उधर मतलब क्या था, मेरे को लग रहा है ऐसा, मैंने पूछा नहीं रेसिपी. तो उधर था कि उसको ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके सभी सब्जियाँ फ्राई किया, उसके ऊपर कैश्यू, फिर मोगोज जिसको आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, वो सबका एक पेस्ट डालते हैं और फिर क्रीम डालते हैं. आई एम गोइंग टू स्किप द क्रीम पार्ट, बट बाकी सब देख लेंगे. तेल पूरा गर्म हो चुका है एंड दिस इज माय सब्जी ओसीडी वाले. प्लीज डोंट माइंड, ये सब कुछ एक जैसा काटना इज नॉट माय कप ऑफ टी, सो इट इज नथिंग. तो यहाँ पे मैंने पोटल लिया और फिर बीन्स एंड आलू, और कुछ मतलब ऐसे था नहीं देने लायक. एंड ये इधर मैंने एक गलती किया, जो कि मैंने सॉल्ट मतलब नहीं दिया था. मेरे को लगा कि सॉल्ट देंगे तो थोड़ा सॉल्टी हो जाएगा. एंड ये वेजीज फ्राई करने का ना एक तरीका है कि मतलब पूरा तेल गर्म होने के बाद डायरेक्टली डाल दीजिए विदाउट वाटर, मतलब थोड़ा सूखा लीजिएगा सब्जी हो सके तो. एंड पूरा हाई फ्लेम में फ्राई कीजिए ताकि मतलब ये सब्जियाँ पानी ना छोड़े और सब कुछ अच्छे से पक जाए. एंड ये हम लोग का हो गया है. ये मैंने 60% कुक किया था, थोड़ा सा और कुक कर लीजिएगा ताकि मतलब ग्रेवी में डालती ही आपका काम ख़त्म हो जाए. अभी हो गया है ये फ्राई, फाइनली मैं ग्रेवी में डालूंगी. एंड टू मेक द ग्रेवी पेस्ट बना के रखा था ना, इसका होगा ग्रेवी. मेक द ग्रेवी सेम पैन में, थोड़ा सा बटर और हल्का सा तेल हो गया अच्छे से मेल्ट, तो इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा दालचीनी, फिर इलायची और 3 लौंग. फिर इसको करेंगे अच्छे से फ्राई जब तक कि इसका स्मेल ना निकले. एक चीज डालना भूल गई, दैट इज रेड चिली पाउडर. डोंट फॉरगेट टू ऐड रेड चिली पाउडर. व्हाट कलर थोड़ा लाइट है. ऑलमोस्ट डन. इसको अच्छे से हिलाते रहिए ताकि जल ना जाए. और इधर नमक स्वाद अनुसार. यस, कीप मिक्सिंग. तो ये अब हो गया है, यू कैन सी पूरा सुमेट गया है. इसमें थोड़ा सा क्रीम डालने का होता है, ये मेरा घर का क्रीम है. मिक्स कर देंगे.
दिस वॉज होम मेड क्रीम एंड ये भी थोड़ा ऐसा हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी। ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर दिया, दिस इज व्हाट वी वांटेड एक्चुअली। एक्सीडेंट, तो ये ऑयल रिलीज कर दिया, इस पे भी डालेंगे ये फ्राइड वेजिटेबल। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, अब इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको थोड़ा अभी बॉयल होने दीजिए एंड बीच बीच में हिलाते रहिए, दैट इज इट। एंड आई थिंक हम लोगों का सब्जी रेडी हो जाएंगे अभी 10 मिनट में। तो दिस इज डन, आप चाहे तो ऐसे ड्राई रख सकते हो। मैं थोड़ा सा और पानी डाल के लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी ऐसा करके रखूँगी, थोड़ा सा डाला मैंने पानी में। दिस इज डन, आप चाहे तो ऐसे ड्राई रख सकते हो। मैं